तो क्या हिस्टोरिक रांचेचर है, बारिश जैसे कहते हैं मज़ा ख़राब करिए, मेरे ख्याल में पूरे ओवर होते तो मज़ा आता, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के हैंड में है। और ये बारिश रुकी जो 9 ओवर में 60 रन कम किया, मुझे समझ नहीं आया ये किस तरीके से, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है 9 ओवर में 60 रन। वह मुश्किल पाकिस्तान के लिए टारगेट दे दिया था 19 ओवर में 182 चेज करना, लेकिन क्या स्टार्ट लिया एक एंड सुधी को एक ओवर में 3 छक्के लग गए हैं, उसने पाकिस्तान का जो था रन रेट और सही कर दिया और 21 रन हम हेड हैं DLS मेथड के। अभी भी अगर बारिश नहीं रुकती तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। यही अप्रोच अब देखें, मैच सिचुएशन को देख के लिए रीड करें सिचुएशन को, कंसिस्टेंसी ले आए तो हम सारे मैच जीते हैं। पता नहीं पाकिस्तान एक मैच में लगती है कि पाकिस्तान को टीम को कोई टीम नहीं हरा सकती, दूसरे मैच में लगता है कि जिम्बाब्वे की टीम से जीत नहीं सकते। तो अभी होपफुली उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ बनेंगे, कुदरत का निज़ाम चलेगा, फिर जाकर क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म छोड़ दें। अभी फिर मेन फोकस हमने मैच जीतने हैं, और ये मैच जीत के हमने बताना है कि पाकिस्तान की टीम सबसे बड़ा टोटल चेज़ कर सकती है। बाबर आजम पर बड़ी तनकीद होती थी, उन्होंने आज 50 कर दिया, लगातार 4 50s हो चुकी हैं, और उन्हें कहा जा रहा था कि वो 50 को 100 में कन्वर्ट कर रहे, मैच विनिंग इनिंग नहीं खेले। आज फ़खर आउटस्टैंडिंग बैटिंग खेले, उनके पीछे बैटिंग स्ट्राइक रोटेशन बाबर आजम बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहे हैं कि वो बैटिंग करें पाकिस्तान के लिए। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी अप्रोच है बाबर आजम को, यही अप्रोच बाबर को अपनानी चाहिए कि वो अपने नेचर गेम करें, हिटिंग उनकी गेम नहीं है जैसे फ़खर हिटिंग करते हैं।